हिमाचल प्रदेश में पिछले कल एक और कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस हुआ है। इस वक्त दो पॉजिटिव केसेस के पेशेंट्स अस्पताल में उपचाराधीन हैं। ये स्थिति संतोषजनक नहीं है। जो जोगिंदर नगर सब डिवीजन के कुंकर गांव में एक व्यक्ति जो दिल्ली से लौट के आया था पॉजिटिव पाया गया, और इनके साथ तीन व्यक्ति और आए थे। एक व्यक्ति उसी गांव का है, दूसरा चौंतरा गांव के हैं और तीसरा कांगड़ा जिले के बैजनाथ के रहने वाला है। और इन तीनों को इस वक्त इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया और इनका टेस्टिंग किया जा रहा है। और ये लोग दिल्ली से एक ही टैक्सी में ड्राइवर मिला के पांच लोग आए थे। वैसे भारत सरकार का आदेश है कि एक गाड़ी में 1+1 ड्राइवर प्लस एक आदमी उस वक्त आ सकते थे। अब एक गाड़ी में जो ऑरेंज और ग्रीन जोन में 1+2 आ सकते हैं। हमें जो भी नियम बताए गए इसको कड़ाई से पालना करना है। भारत सरकार ने बहुत ही ज्यादा सोच समझ के ही ये आदेश निकाले हैं। और ये व्यक्ति जो पॉजिटिव पाया गया, ये नोएडा में सैमसंग में काम कर रहा था, लेकिन भारत सरकार के जो स्ट्रैंडेड लोगों के बारे में आदेश है, वो आदेश इमीडिएटली बिफोर लॉकडाउन में जो लोग स्ट्रैंडेड है उनके बारे में था, लेकिन जो दूसरी राज्यों में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह आदेश नहीं था। लेकिन लोग इस वक्त फायदा उठा के हिमाचल प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, लेकिन आने के उपरांत जो हमने होम क्वारंटाइन के बारे में जो भी आदेश दिया उसका पालना करना अनिवार्य है, क्योंकि इस वक्त देश में भी हालात इतना अच्छी नहीं है। पिछले कल एक ही दिन 3,900 केसेस बढ़े हैं और 195 डेथ्स हुए हैं। इस वक्त जो 46,000 से ऊपर देश भर में केसेस हैं, 1,500 से ऊपर डेथ हुए हैं। ये स्थिति संतोषजनक नहीं है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। चंबा जिले में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में अपने लोगों को क्यों रखा, होम क्वारंटाइन में भेजा जाए, ये सही नहीं है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखना या होम क्वारंटाइन में भेजना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीशन है, इसका पालना करें। मैंने पहले भी कहा था, जो होम क्वारंटाइन में रहते हैं वे अलग कमरे में टॉयलेट के साथ अलग रहे और सोशल डिस्टेंसिंग घर के अंदर मेंटेन करें, मास्क पहने और यूटेंसिल्स अलग से इस्तेमाल करें। ये प्रिकॉशंस लेना बहुत ही अनिवार्य है। अगर होम क्वारंटाइन में रहते रहते किसी और उसी घर के सदस्य को संक्रमित करते हैं और वो व्यक्ति अगर बाहर आता है तो सोसाइटी समाज जो है संक्रमित हो जाता है। इसलिए जो नियम आपको बताया गया उसका कड़ी से पालना करना आप सबका कर्तव्य है। एक जनप्रतिनिधि के फेसबुक अकाउंट को हैक करके लोगों से डोनेशन मांगना शुरू कर दिया। मैं अनुरोध करता हूं, इस तरह का फ्रॉड इस वक्त बहुत ज्यादा चला हुआ है। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो सीएम कोविड फंड में डोनेट करें या प्राइम मिनिस्टर केयर में डोनेट करें और ऑफिशियल वेब पोर्टल में जाके आप डोनेट कर सकते हैं। लिकर शॉप्स के बाहर हमने देखा है कि कल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया जा रहा है। आज से हम इस बारे में बहुत ही स्ट्रिक्ट होंगे। यहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। इस वक्त देश में 9 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है। ये बहुत संतोषजनक स्थिति है। मेरी अनुरोध है तमाम लोगों से कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। जब आरोग्य सेतु ऐप सेफ या लो रिस्क दर्शाता है तभी घर से बाहर निकले। मैंने कल भी कहा था, जो सीनियर सिटीजन 65 ईयर्स के ऊपर, जिनको मेडिकल समस्या है, प्रेग्नेंट वुमेन और 10 साल से नीचे वाले बच्चे, सिर्फ बहुत ही जरूरी आवश्यकता होने पर ही बाहर निकले या मेडिकल एडवाइस के लिए बाहर निकले और अनावश्यक बाहर ना निकले। ये भारत सरकार का आदेश भी है। कल एक घटना हमें देखने को मिला है। किन्नौर जिले में एक गांव में एक रिटायर्ड अंडर सेक्रेटरी और उनकी पत्नी पहुंचे थे। उस गांव के लोगों ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया, वे शिमला से गए थे। गांव वालों का कहना है कि अब तक अगर आपको शहर अच्छी लगी तो
इस वक्त गांव क्यों अच्छी लग रही है, आप गांव में क्यों आना चाहते हैं, हम आने नहीं देंगे। 3-4 घंटे तक उनको आने नहीं दिया गया। मुझे किसी ने कहा, मैंने एसपी साहब से और एसएचओ मुरंग से टेलीफोन से बात की और रात को 9:30 बजे एसएचओ जाके उन कपल को अपने ही गांव में, अपने ही घर में पहुंचवाया। ये एक भावना और एक सतर्कता हमें गांवों में देखने के लिए मिल रहा है, ये एक अच्छी सिग्नल है। और इस वक्त हालात में इस तरह का सतर्कता आवश्यक है, क्योंकि जो होम क्वारंटाइन के सुपरविजन गांव के प्रधान, गांव के पंचायत मेंबर्स ही कर सकते हैं। सरकार जो लोग बाहर है और फंसे हैं उन पर हमदर्दी दिखा रही है, उनको वापस लाने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों को समझना है कि सरकार का यह भी दायित्व है हिमाचल प्रदेश भी सेफ रहे, हिमाचल की जनता सेफ रहे। सरकार को दोनों चीजें देखना है, इसलिए तमाम लोगों को सरकार का एफर्ट्स को समझना चाहिए और कोऑपरेशन देना चाहिए। आज गांव के लोग जो है स्वावलंबी होना चाहते हैं, गांव में अपने आप सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं, चाहते हैं कि बाहर से लोग ना आए। महात्मा गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि हमारे गांव स्वावलंबी हो और हमारे देश स्वावलंबी हो, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा देश स्वावलंबी हो। इस हालात में हमने देखा है कि हिंदुस्तान के तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट और साइंटिस्ट इकट्ठे हुए हैं, कई तरह का गैजेट्स उन्होंने बनाए हैं, वो चाहे वेंटिलेटर्स का हो या मास्क का हो, पीपीई किट हो या मेडिसिन हो, तो देश के लोग एकजुट होकर कोशिश कर रहे हैं। ये एक अच्छा सिग्नल है, हम चाहे तो कुछ भी दुनिया के सामने करके दिखा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जब जापान से वैंकूवर जा रहे थे ऑन वे टू शिकागो, उसी शिप में श्री जेम्स सेठ जी टाटा भी थे। टाटा अमेरिका जा रहे थे क्योंकि स्टील टेक्नोलॉजी लेने के लिए, ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस उन्हें स्टील टेक्नोलॉजी देने से इनकार किया। यहां तक मजाक किया है कि अगर इंडियंस स्टील बना सकते हैं तो वी विल ईट देम। स्वामी विवेकानंद जी ने जेम्स सेठ जी टाटा को कहा, हिंदुस्तान का तरक्की के लिए प्योर साइंस के साथ टेक्नोलॉजी दोनों आवश्यक है। सिर्फ टेक्नोलॉजी लाने से हिंदुस्तान सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह मिट्टी की जांच हिंदुस्तान में ही आप कर सकते हैं, करना चाहिए। उन्होंने महाराजा मैसूर को चिट्ठी लिखी और महाराजा मैसूर ने कई एकड़ लैंड बेंगलुरु के यशवंतपुर में टाटा को डोनेट किया और टाटा ने अमेरिका से इंडिया वापस आने के उपरांत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में बनवाया। बाद में 1945 में टाटा ग्रुप ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी मुंबई में स्थापित किया। विवेकानंद जी भगवद गीता का किसी भी श्लोक बोल सकते हैं, वे किसी भी रिचुअल को भी करना जानते हैं, लेकिन वे अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे। वो देश को स्वावलंबन होने के बारे में 1893 में कहा था। विवेकानंद जी के जो आइडियल्स है वो रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, अरविंद घोष जी, कई सारे नेताओं तथा इवन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी प्रेरित किया है। देश स्वावलंबी की ओर बढ़ते जा रहा है, देश एकजुट होते जा रहा है, लेकिन इस महामारी के संदर्भ में जब हमारा समाज, हमारा देश सुरक्षित रहेगा तभी व्यक्तिगत रूप से हम सुरक्षित रह सकते हैं। देयर कैन नॉट बी अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड आई एम सेफ, देयर इज ओनली अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वी कैन बी सेफ। धन्यवाद, जय हिंद।